नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बीए पार्ट ट्रस्ट के ट्रस्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तीसरी यूनिट चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियो लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं, आप नियमित रूप से उनको देख रहे हैं और अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़ रहे हैं, तभी समाजशास्त्र विषय को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये एक बुनियादी ज़रूरत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। डियर स्टूडेंट, आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि परिवर्तन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। समाज और प्रकृति में परिवर्तन घटित होता रहता है, ये एक शाश्वत और अटल नियम है। और ये जो परिवर्तन जब समाज में घटित होता है तो हम इसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और समाज की प्रगति और विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत आवश्यक है। वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन समाज शास्त्र विषय की जो मूलभूत बुनियादी अवधारणाएँ हैं उनमें से हैं। और सामाजिक परिवर्तन है वो समाज को समझने के लिए, समाज के विज्ञान की व्याख्या के लिए, समाज के संदर्भ में जो समाज वैज्ञानिक शोध के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं उन सभी संदर्भों में बहुत उपयोगी है। सामाजिक परिवर्तन का जो तात्पर्य है वह है सामाजिक संबंध है, सामाजिक संरचना है, प्रकार हैं, समाज की जो बुनियादी संस्थाएं हैं इनमें जो परिवर्तन घटित होते हैं उनसे हैं, उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अगर सामाजिक परिवर्तन को समझें तो समाज में जो परिवर्तन घटित होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि समाज में जो हमारी जीवन शैली सबसे पहले परिवार से शुरुआत करते हैं। परिवार में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो रीति रिवाज है, कार्यक्रम है, आपके व्यवहार के तौर तरीके हैं, पढ़ाई के तौर तरीके हैं, वेशभूषा है, खान पान है, बोलचाल है, आपके रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, सोच है, तो इन सब चीज़ों में जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, जिनसे एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि वो बड़े समूह में घटित होते हैं और पूरा समाज प्रभावित होता है, उन सबको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लड़की ने मान लीजिए उच्च शिक्षा अर्जित करके पुरुष की बहुमत वाली कोई भी संस्था है उसमें नौकरी करनी शुरू की, तो उससे प्रेरणा लेकर बहुत सारे महिलाएं वो नौकरियों में आती हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन है। एक व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, संपूर्ण समाज में, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन आता है उसी को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है वो मृत्यु भोज की कुप्रथा को छोड़ देता है, तो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक बड़े समूह में लोग सामूहिक सहमति के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर इस सामाजिक कुरीति को, प्रथा को छोड़ते हैं, बंद करते हैं, उसका एक सामूहिक निर्णय लेते हैं कि हमें मृत्युभोज नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, तो ये सामाजिक परिवर्तन है। इसी तरह सभी परिवारों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों की नौकरी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन है। इसी तरह विवाह में लड़के और लड़की की आपसे सहमति से विवाह होने लगे हैं, यह सामाजिक परिवर्तन है। अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह होने लगे हैं, यह सामाजिक परिवर्तन है। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार बनने लगे हैं, यह सामाजिक परिवर्तन है। कमजोर वर्गों के लोग शिक्षा और नौकरियों और अपनी मेहनत काबिलियत से उच्च पदों पर आ रहे हैं, यह सामाजिक परिवर्तन है। तो ये डे टू डे लाइफ में हम अनेक सामाजिक परिवर्तनों से रूबरू होते हैं, उनसे हमारा सामना होता है, उनको हम देखते हैं।
बस हमें उनको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तो सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है, जटिल और सार्वभौमिक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी परिवर्तन की प्रक्रियाएं समाहित हैं। जैसे सामाजिक उद्विकास है, सोशल इवोल्यूशन है, सामाजिक क्रांति है, सोशल रिवोल्यूशन है, सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक प्रगति है, सोशल प्रोग्रेस है, सामाजिक आंदोलन है, सोशल मूवमेंट है। ये सब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं और सब सामाजिक परिवर्तन में समाहित हैं। तो यह सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। और सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा की जहाँ तक बात है, तो समाजशास्त्र के जो क्लासिकल समाज वैज्ञानिक है मैकाइवरन पेज, उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा जो सीधा संबंध है वो सामाजिक संबंधों से है, और सामाजिक संबंध में कोई भी परिवर्तन घटित होता है तो हम इसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और इनका कहना है कि समाज है वह परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है, यानी समाज में परिवर्तन होता रहता है, वह गतिशील रहता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं, सामाजिक संबंध बदलते रहते हैं, नए नए सामाजिक संबंध बनते हैं और उनका स्वरूप बदलता रहता है। तो यह सामाजिक परिवर्तन है। इसी तरह किंग्सले डेविस हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संगठन, अर्थात समाज की जो संरचना और प्रकार्य हैं उनमें होने वाला जो परिवर्तन है उससे है, उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह जाने माने समाज वैज्ञानिक एचएम जॉनसन ने कहा है कि सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन है। इसी तरह नवीन जो समाज वैज्ञानिक हैं उनमें एंथनी गिडेंस का नाम प्रमुख है, उनकी बहुत सारी पुस्तकें, उनमें जो प्रसिद्ध पुस्तक है सोशियोलॉजी, उसमें उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज की जो बुनियादी संरचना है, यानी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है या जो बुनियादी संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन से हैं। अब सवाल उठता है कि समाज की बुनियादी संस्थाएं के कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समाज की बुनियादी संस्थाओं से तात्पर्य यहाँ है परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून, ये समाज की बुनियादी संस्थाएं हैं। इनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और परिभाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन की इस अवधारणा को बहुत बेहतर ढंग से समझने के लिए और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के लिए इसकी विशेषताओं को समझना अनिवार्य है। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यही है कि सामाजिक परिवर्तन पूरी दुनिया में घटित होती है, सार्वभौमिक है, एक स्थान एक समाज विशेष में घटित नहीं होती है और ये अनिवार्य प्रक्रिया। इसका मतलब हर समाज हर देश में सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। इस दुनिया का ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सामाजिक परिवर्तन घटित नहीं होता हो। हाँ, उसकी गति कम ज़्यादा हो सकती है। पश्चिम के जो देश हैं, पश्चिम के जो समाज हैं, जो आधुनिक समाज है, शिक्षा का प्रसार जहाँ अधिक है वहाँ सामाजिक परिवर्तन की गति अधिक होती है, और जो रूढ़िवादी समाज हैं जहाँ शिक्षा का प्रसार कम है, एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वहाँ सामाजिक परिवर्तन की उन समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है, लेकिन वह अनिवार्य रूप से घटित होता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। सामुदायिक जो परिवर्तन होता है, यानी समूह में, समूह के लोगों के व्यवहार में व्यापक स्तर पर जो परिवर्तन होता है उसे ही सामाजिक परिवर्तन हम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई सिंगल पेरेंट बनना पसंद करता है कोई व्यक्ति, कि मुझे विवाह नहीं करना है, मैं बच्चा गोद लूंगा, अकेला ही पुरुष है या महिला है, तो ये व्यक्तिगत परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब समाज में बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकृति मिल जाती है और बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट बनते हैं तो वो सामाजिक परिवर्तन है।
ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष अपने व्यवहार में, सोच में, आचरण में, जीवन में कोई परिवर्तन लाता है तो व्यक्तिगत परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन वो सामुदायिक स्तर पर, समूह के स्तर पर, बड़ी संख्या में समाज के स्तर पर घटित होता है तो ही उसमें सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तीसरी जो विशेषता है वह है कि इसकी गति असमान और सापेक्ष होती है। इसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक परिवर्तन असमान गति से और सापेक्षिक रूप से घटित होता है, यानी कि इसकी गति सब जगह समान ही होती है। भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसी गति से पाकिस्तान के समाज में परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह अमेरिका के समाज में परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह इंग्लैंड के समाज में परिवर्तन नहीं होता, और वो सापेक्ष क्या यानी तुलनात्मक होता है। हम परिवर्तन उसको तब कहेंगे कि जब किसी दूसरे समाज से या दूसरे लोगों से उसकी तुलना करते हैं कि वहाँ पर ये नहीं हो रहा और यहाँ पर ये हो रहा है, तब हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सापेक्षिक का मतलब ये है कि किसी दूसरे समाज की तुलना में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तब उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चौथी जो विशेषता है वह है कि ये सामाजिक परिवर्तन एक बहुआयामी, बहुकारकीय, जटिल अवधारणा है जिसके अनेक स्वरूप हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं, और इसका मापन संभव नहीं है, क्योंकि ये गुणात्मक परिवर्तन है, इसलिए हम इसको किसी पैमाने पर मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण सामाजिक परिवर्तन है वो एक बहुआयामी, जटिल और बहुकारकीय अवधारणा है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की पुस्तकों में हम कई जगह सामाजिक परिवर्तन देखते हैं, कई जगह सांस्कृतिक परिवर्तन देखते हैं। दोनों चीज़ एक नहीं है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। जाने माने समाज वैज्ञानिक किंग्सली डेविस और मैकाइवर और पेज ने इनमें बिल्कुल स्पष्ट अंतर किया है। सामाजिक परिवर्तन अलग अवधारणा है, सांस्कृतिक परिवर्तन अलग अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि जब सामाजिक संबंधों में, समाज की संरचना में, समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आता है जिसकी गति तीव्र होती है और जो चेतन और अचेतन दोनों परिवर्तनों के कारण घटित होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य है कि जब संस्कृति के जो विभिन्न पक्ष हैं, धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथा, कानून, विज्ञान, दर्शन, इनमें जो परिवर्तन होता है जो प्राय चेतन प्रयत्नों का, प्रयासों का परिणाम होता है, जिसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। ये इन दोनों में मुख्य परिवर्तन है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन से है जिसकी गति तीव्र होती है और जिसमें चेतन और अचेतन दोनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वह सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। दूसरी तरफ सांस्कृतिक परिवर्तन है वो संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाला परिवर्तन है जिसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और वो प्राय चेतन प्रयत्नों के कारण ही घटित होता है, क्योंकि अचेतन रूप से संस्कृति में परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उसमें मुख्य अंतर है जो मैकाइवर, पेज और किंग्सले डेविस ने बताया है। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक का जो सबसे अंतिम भाग है वह है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार या प्रतिमान, पैटर्न भी बोल सकते हैं। जब कोई भी सामाजिक प्रगटना एक निश्चित स्वरूप में घटित होती है तो उसको हम प्रतिमान बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार हैं, मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में इसके तीन प्रतिमान बताए हैं। पहला प्रतिमान है रेखीय प्रतिमान, लीनियर पैटर्न। इसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक परिवर्तन क्रमबद्ध रूप से एक ही दिशा में सरल से जटिल की ओर होता है तो उसे हम रेखीय प्रतिमान कहते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन का रेखीय प्रतिमान कहलाता है, लीनियर पैटर्न कहलाता है, क्योंकि यहाँ सामाजिक परिवर्तन एक ही दिशा में सरल से जटिल की ओर हो रहा है। उदाहरण के लिए औद्योगिक परिवर्तन, वैज्ञानिक उन्नति, तो ये रेखीय परिवर्तन है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि हाथ से चीज़ें बनाने लगी, फिर मशीनों से बनाने लगी, फिर आधुनिक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होने लगी, स्थापित होने लगी, उनमें वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। अब ऑटोमेशन आ गया है, ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं, फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, तो ये औद्योगिक परिवर्तन। इसी तरह वैज्ञानिक उन्नति हुई, सबसे पहले पहिया होना, फिर बैलगाड़ी आई, फिर ऊंट गाड़ी है, या इस तरह जो
इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ आई, फिर आधुनिक गाड़ियाँ आई हैं जो डीजल पेट्रोल से चल रही हैं, इसके बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं जो बैटरी से चल रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसी तरह पहले टेलीग्राम का आविष्कार हुआ, फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, इसी तरह फिर मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ। तो इस तरह जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, इनको हम सामाजिक परिवर्तन के रेख की प्रतिमान में मानते हैं। दूसरा जो सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है, वह तरंगात्मक प्रतिमान है, जिसे जिग जिग पैटर्न बोलते हैं। सामाजिक परिवर्तन के इस प्रतिमान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन असमान गति से उच्चता और निम्नता के क्रम में होता है, यानी कि पहले ऊपर की तरफ होता है, फिर नीचे की ओर होता है। इस तरह का जो सामाजिक परिवर्तन घटित होता है, वो सामाजिक परिवर्तन का तरंगात्मक प्रतिमान कहलाता है। जैसे आर्थिक क्रियाएं, औद्योगिक उत्पादन, जनसंख्या का स्वरूप, हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। औद्योगिक उत्पादन भी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत गिरावट आ जाती है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कभी कभी औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ जाती है, मांग में कमी आने के कारण। जनसंख्या में हम देखते हैं कि कभी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी अंडर पॉपुलेशन की, बहुत कम जनसंख्या की स्थिति आ जाती है। तो ये इस तरह का जो सामाजिक परिवर्तन समाज में घटित होता है, वो तरंगात्मक प्रतिमान कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक परिवर्तन का जो अंतिम प्रतिमान है, वह चक्रीय प्रतिमान है, जिसे साइक्लिकल पैटर्न बोलते हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन का जो स्वरूप है, वो चक्रीय होता है, एक चक्र की तरह घूमता रहता है। और सामाजिक परिवर्तन घटित होकर वापस अपने पुराने स्वरूप में भी आ जाता है। जैसे फैशन है, अलंकरण है, सामाजिक मूल्य है, लोकाचार है, इनमें जो सामाजिक परिवर्तन घटित होता है, वह चक्रीय प्रतिमान कहलाता है। हम देखते हैं कि वेशभूषा के अंदर एक फैशन जाने के बाद नई फैशन आ जाती है, फिर हम देखते हैं कि जिस फैशन को हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वो वापस जीवन का हिस्सा बन जाती है, प्रयोग में आने लगती है, उसको लोग पसंद करने लगते हैं। तो वो एक चक्र चलता रहता है। इसी तरह आभूषण है, उनमें भी ये चक्र के रूप में चलता रहता है। इसी तरह सामाजिक मूल्य, लोकाचार, इनमें भी चक्र चलता रहता है। कभी आदमी भौतिक धन संपदा को अधिक महत्व देता है, फिर उसकी विकृतियां सामने आने लगती है, वो धर्म की ओर बढ़ता है, आध्यात्मिक मूल्यों की ओर बढ़ता है, फिर वापस भौतिकता की ओर बढ़ता है। तो इस तरह सामाजिक परिवर्तन चक्र के रूप में घटित होता रहता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय प्रतिमान कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर, और सामाजिक परिवर्तन की जो प्रतिमान है उसका सार है, जो मैंने आपके सामने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आपको उदाहरण से समझाने का भी प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है। इसमें किसी भी तरह की कठिनाई हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इससे संबंधित आगे के जो टॉपिक्स हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक से भी इस टॉपिक को पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। किसी अवधारणा को हम बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो उस विषय में गहन स्टडी और उस विषय को बेहतर ढंग से समझना बहुत आसान हो जाता है। धन्यवाद।